पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार की दुआरे राशन योजना को अवैध घोषित कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार की ये योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दुआरे राशन योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत लाभार्थियों के घर पर राशन सामग्री उपलब्ध कराई जानी थी। ममता सरकार ने इस योजना को लॉन्च करते वक्त कहा था कि इस योजना पर सरकार 160 करोड़ रुपए खर्च करेगी। लोगों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था को लेकर वाहन खरीदने के लिए लगभग 21,000 राशन डीलर को 1-1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। योजना के जरिए 10 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का सरकार का लक्ष्य था। सरकार का कहना था कि इससे 42,000 नौकरियां सृजित होंगी। ममता बनर्जी सरकार द्वारा नवंबर 2021 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थियों के दरवाजे पर खाद्य की डिलीवरी के लिए योजना शुरू की गई थी। उचित मूल्य की दुकान के डीलरों को एक याचिका पर न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने 16 जून को कहा था कि लाभार्थियों के दरवाजे तक खाद्यान्न पहुंचाने के राज्य सरकार के फैसले को NFS अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए उचित मूल्य की दुकान के डीलरों ने खंडपीठ का रुख लिया गया था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य सही बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।